जी بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد जी पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इल्म नहव की तारीफ वगैरह, बुनियादी इस्तिलाहात, लफ्ज और उसकी अकसाम और फिर कलमा की अकसाम जो है ये हम पढ़ चुके थे, और मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह पीछे से सारा जो है वो आप लोगों से सुनूंगा। जी सबसे पहले अम्मारा शाहिद, आप इल्म नहव की तारीफ सुनाएं। इल्म नहव किसको कहते हैं? इल्म नहव से मुराद एक ऐसा इल्म है जिसमें इसम, फेल और हर्फ को जोड़ने का तरीका और आखिरी हर्फ पर जो हरकत है वो मालूम हो। ठीक है जी। हिबा तारिक, आप बताइए इल्म नहव का मौजू क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसका मौजू कलमा और कलाम है। और इसकी गर्जो गायद क्या है? ये इल्म इसलिए हासिल करने का मकसद यह है कि इंसान अरबी जबान को पढ़े, लिखे और बोले, और खास तौर पे जो कुरान और हदीस का मफहूम है उसको सही तरीके से समझे। ठीक है माशाल्लाह जी। आगे मोना नईम, आप बताइए कि इस इलम के मुदव्विन और वाजे कौन है? इस इलम के जो थे वो जो मतलब इसको जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था वो थे, ताबी थे अबुल औला सऊद दौली। अबुल अस्वद अद्दुअली, ये नाम जरा सही तरह से याद कर लें, अबुल अस्वद अद्दुअली। अस्वद, हाँ, अबुल अस्वद अद्दुअली है। अद्दुअली है जी। और इसका हुक्म क्या है? इसको सर सीखना फर्ज कफाया है। ठीक है, चले जी माशाल्लाह जी। आगे जरियाब अहमद, आप बताइए लफ्ज किसको कहते हैं? सर लफ्ज लुगवी माना इसका होता है बोलना, फेंकना, और इस्तिलाही माना होता है कि हर वो बात जो इंसान के मुंह से निकले से लफ्ज कहते हैं। कितनी अकसाम है लफ्ज की? सर लफ्ज की दो अकसाम है, बामानी और बेमानी। ठीक है, बामाना किसको कहते हैं और बेमाना किसको कहते हैं? सर बामाना वो लफ्ज जिसका कोई मानी और मफहूम हो, मसलन किताबुन फरसुन, और बेमाना वो लफ्ज जिसका कोई मानी और मफहूम ना हो, जैसे जैदुन का उलट दईजुन। बामाना का दूसरा नाम क्या है? सर बामाना का दूसरा नाम है मुस्तहमल और या मौजू। मौजू ठीक है, और बेमाना का? बेमाना का मोमल या गैर मौजू। चले ठीक है माशाल्लाह जी। आगे उम्मे कल्सूम, आप बताइए बामाना लफ्ज जो है उसकी कितनी अकसाम है? जो बामाना लफ्ज है उसकी दो अकसाम है, एक मुफरिद होता है एक मरकब मुरक्कब होता है। ठीक है, मुफरिद वो होता है वो जो अकेला जो वो लफ्ज जो मुफरिद वो एक होता है। शेख साहब, हाँ मुफरिद अकेले को कहते हैं ना, अकेले को कहते हैं। मुफरिद का दूसरा नाम क्या है और मुरक्कब का दूसरा नाम क्या है? मुफरिद का दूसरा नाम कलिमा है और मुरक्कब का दूसरा नाम कलाम है। ठीक है, अब कलमा जो है उसकी क्या तारीफ है? कलमा की तारीफ करें। कलिमा, कलिमा की तारीफ मुफरिद को कहते हैं। कलिमा वो लफ्ज जो मुफरिद होता है, वो लफ्ज जो मुफरिद माना के लिए बनाया गया हो। अच्छा, वो लफ्ज जो मुफरिद माना के लिए बनाया गया हो, जैसे फरासुन। ठीक है, कालामुन राजुलुन फरासुन, ये सारे मिसालें हो सकती। चले ठीक है माशाल्लाह जी। आगे हम्माद रफी साहब, आप बताइए कलमा की कितनी अकसाम है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर, कलमा की तीन अकसाम है जी। कौन कौन सी है? इसम, फेल और हर्फ। इसम ऐसी ऐसा कलमा होता है जिसमें जमाना नहीं पाया जाता लेकिन अपना मानी बता रहा होता है, और जैसे किताबुन वगैरह होता है। ठीक है, जैसे और फेल ऐसा जैसे किताब। अभी फेल छोड़े, बस इसम की तारीफ ही आप बता दें बस। आप पिछले वीक में एक दिन फर्स्ट डे आप आए थे, उसके बाद दो दिन आप नहीं आए, खैरियत थी? सर मैं ट्रैवलिंग में था सर जी, इस वजह से मैं सफर में था इसलिए क्लास नहीं ले सका। अच्छा अच्छा, चलें अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। ठीक है, चलें ठीक है जी। आगे हमारा शायद, आप बताइए अलामत इसम कौन कौन सी हैं? हमारा शायद
जी शेख, अलामत इसमें इसमें शुरू में अल आता है जैसे कि अलहमदु, और या फिर इसमें हरफ जर होता है जैसे फी किताबी, या आखिर में तनवीन होता है जैसे कि हकीम, या फिर मसनद होता है मुस्नद जैसे कि इलाह होता है, मुस्नद इलाह होता है, मुस्नद इलाह होता है जैसे उस्मान उन तबीब में जो उस्मान है वो मुस्नद इलाह है और जो तबीब है वो मुस्नद है। हाँ, इसको उस्मानु कहेंगे, उस्मानु नहीं कहेंगे, उस्मान के ऊपर तनवीन नहीं आएगी, उस्मान तबीब, उस्मान तबीब है। और पांचवा, पांचवी अलामत शेख, अभी आपने चार बताई हैं, एक और भी है शेख, मेरे ज़हन से निकल गई। हाँ जी, मुनादा हो जैसे या जईद हो, तो मुनादा जो है ये भी इस्म की एक अलामत है। जी आगे हिबा तारिक, आप बताइए फेल किसको कहते हैं? हिबा तारिक जी सर, वो कलमा जो अपना मायने खुद बताए उसमें कोई ना कोई समाना मौजूद हो। हाँ जैसे, जैसे नसागा, शागाबा, जागाबा, उसके बाद है यजरीबु, उन्सु, यंसु। फेल की कितनी अक्साम है? फेल की तीन किस्में हैं, फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर। चले ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी आगे मुना नाइन, आप बताएं फेल की अलामात क्या है? सर फेल की अलामात में से ये होता है कि उसके शुरू में कद आता है, ठीक है, कद जारा बा, कद जारा सा जिस तरह से है, और इसी तरह से उसके शुरू में सीन आएगा या सौफ आएगा, और इसके अलावा इसमें इसके आखिर में जो है वो ताए तानीस होती है, इसके आखिर में जो है सर वो या होती है, और इसके अलावा और नूने सकीला और नूने खफीफा से भी हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक सर, और जो इसके आखिर में मोनस की तानीस, जो ताए तानीस होती है, मोनस की ताज होती है, वो आपने बता दिया था, ताए फाइल रह गई थी, समेता समेत उमा समेत, हाँ समेता समेती समेतु, फाइल की जो ताय है वो आखिर में लाहिक होती जी है। चलें ठीक है, माशाल्लाह जी आगे हैं, हाँ लाइबा, लाइबा जवेद, आप बताइए हर्फ किसको कहते हैं? शेख हर्फ उसको कहते हैं जो अपना मायने भी खुद नहीं बताता और ना ही उसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना पाया जाता, जैसे फी इला मिन, और जैसे जी इला मिन, और इसकी अलामत ये है कि इसम और जो है फेल के अलावा मतलब वो अलामत ना हो तो वो फिर जो है वो हर्फ होता है। हाँ, यानी जिस कलमा में इसम और फेल की अलामत ना पाई जाए वो हर्फ होगा, वो हर्फ। चले ठीक है, माशाल्लाह जी। उसके बाद हमारे सामने एक टेबल था, तो टेबल के अंदर उन्होंने चंद एक कलिमा दिए हुए थे, आप लोग ये बताएंगे कि इनमें से कौन सा कलिमा जो है वो इसम है, कौन सा फेल है, और कौन सा हर्फ है, और फिर उसकी अलामत क्या है। जी सबसे पहले हमारा शाहिद, आप बताइए अल मातारू ये क्या है, इसम है, फेल है, या हर्फ है? ये इसम है, इसके शुरू में अल है। अल है, चले ठीक है, माशाल्लाह जी। हम्माद रफी साहब, आप बताइए कद फतहा। सर ये भी फेल है, अलामत कद आ रहा है। चलें ठीक है जी, आगे हिबा तारिक, आप बताइए मिन तीन। ये हर्फ है क्योंकि इसमें हरफ ज्यादा मिन है। ये हर्फ है जी सर, इसमें मिन है। तीन इन क्या है, मैंने तो हरफ जा रहा है, और तीन इन क्या है सर? तीन इसमें इसम है क्योंकि इसमें तनवीन है आखिर में। हाँ ठीक है, चलें लाइबा जवेद, आप बताइए तफत्तहत। शेख ये फेल है क्योंकि इसके आखिर में ताए तानीस है। ठीक है जी, आगे मुना नईम, आप बताएं सौफ़ तअलम। जी मुना नईम, सौफ़ तअलम जी सर। सर इसके शुरू में सौ, हाँ तो क्या ये बना फेल? ये फेल है सर, फेल है जी। ठीक है, चले आगे लाइबा जवेद, आप बताएं खुबजुन।
शेख इसम है क्योंकि इसके आखिर में तनवीन आ रही है। जी ठीक हो गया। आगे उम्मे कलसूम आप बताइए। इला हर्फ जड़ है, हर्फ है ये। जी क्या अलामत है इसकी? इला ये ना तो इसमें ना फेल है ना उनकी कोई लामते हैं इसमें। ठीक है चलें जी आगे। जरियाब अहमद आप बताइए। सयकूलु सर ये फेल है सर, इसमें शुरू में सीन आ रहा है। और कद क्या है सर? कद जो है वो इस यही सर फेल ही है। कद फेल है? नहीं सर ये हर्फ है। हाँ हर्फ है, इसमें ना इसम की अलामत है ना फेल की अलामत है। कद अगर किसी चीज के शुरू में आए तो वो बाद वाली चीज जो होती है ना वो फेल होता है, जैसे कद फता, लेकिन कद बजाते खुद जो है ये हर्फ है। और अलमिदादु आप ही बता दें, अलमिदादु क्या है? सर ये इसम है, इसमें शुरू में अलिफ लाम है। हाँ चलें ठीक हो गया माशाल्लाह। शेख साहब ये जो कद आपने बताया है जी, ये जो आपने हर्फ जारा बताए थे 17 उसमें तो ये नहीं है। मैंने सिर्फ हरूफ जारा बताया, हरूफ जारा के अलावा भी बेशुमार हरूफ मौजूद हैं। अच्छा वो हम पढ़ेंगे, ये हरूफ तहकीक में से है कद। ठीक है ठीक है। ये हरफ जार नहीं है, हरफ जार वो होता है जो इसम पे आता है, तो ये कद जो है ये फेल पे आता है। ठीक है जज़ाकअल्लाह खैर। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह कलमा की जो दूसरी किस्म है, और बल्कि कलाम की लफ्ज की जो दूसरी किस्म है, क्योंकि बामाना लफ्ज की हमने दो किस्में पढ़ी थी, एक होता है मुफरत या कलमा। तो मुफरत हम पढ़ चुके हैं जिसमें कलमा की तीन अकसाम इसम फेल और हरफ पढ़ी थी। आज हम इंशाअल्लाह मुरक्कब पढ़ेंगे। तो मुफरत आपको इल्म है कि मुफरत से मुराद अकेला या तन्हा कलिमा होता है, एक वाहिद तन्हा मुफरत, ये सब एक माने में है। तो मुरक्कब जो है, मुरक्कब जमा को कहते हैं, किसी चीज के मजमूए को कहते हैं। दो या दो से जायद कलिमों के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, यानी दो हूं या दो से जायद, जैसे ज़राबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अभी इसमें ज़राबा जो है ये फेल है और ज़ैदुन उसका फाइल है और इसम है। तो इस मिसाल के अंदर एक फेल और एक इसम दो इकट्ठे हो गए, लिहाजा ये मुरक्कब बन जाएगा, एक जुमला बन गया। बसाओ का दोनों इसम ही इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे हामिदुन सालिहुन, हामिद नेक आदमी है, तो हामिद जो है ये भी इसम है और सालिहुन ये भी इसम है, हामिदुन सालिहुन। और बसावकत ऐसा होता है कि उस जुमले के अंदर इसम और फेल और हरफ तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे ज़ैदुन फिल मस्जिद, ज़ैद मस्जिद में है। अब ज़ैदुन जो है ये इसम है, फी हरफ जर है, हरफ है, और अल मस्जिद वो भी इसम है। तो फेल या इसम या दोनों इसम या उनके साथ दरमियान में हरफ, यानी इन तीनों में से कोई भी दो चीजें या दो से जायद, यानी इसम फेल और हरफ, इन तीनों में से कोई भी दो या दो से जायद कलमे अगर इकट्ठे हो जाएं तो उसको हम मुरक्कब कहेंगे। अब जो मुरक्कब है उसकी फिर आगे दो किस्में हैं, एक मुरक्कब मुफीद है, मुफीद यानी जिससे कोई फायदा हासिल हो रहा हो, तो एक मुरक्कब गैर मुफीद है जिससे कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा होता, यानी अगरचे वो जुमला तो होता है और उसमें दो या दो से जायद कलमे तो जमा हो जाते हैं, लेकिन वो मुकम्मल बात उससे समझ नहीं आती है मुरक्कब होने के बावजूद भी, तो इसलिए उसको मुरक्कब गैर मुफीद कह देते हैं, यानी जिससे कोई फायदा हासिल, मुकम्मल तौर पर फायदा हासिल ना हो रहा हो। तो मुरक्कब की तारीफ जो है यहाँ पर किताब पे देखें, मुरक्कब
दो या दो से जायद कलमों, कलमा की तारीफ हम पीछे पढ़ चुके हैं, अगर एक एक रहेगा तो वो कलमा होगा और अगर उसको जोड़ देंगे तो वो कलाम बन जाएगी या मुरक्कब बन जाएगा। तो दो या दो से जायद कलमों के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है। फिर आगे मुरक्कब की अकसाम है, मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद, सबसे पहले मुरक्कब मुफीद की मिसाल या तारीफ करते हैं। मुरक्कब मुफीद जो है, जब मुतकल्लिम, मुतकल्लिम होता है बात करने वाला, जिसने भी कोई बात की है, जब मुतकल्लिम बात करके खामोश हो जाए और सुनने वाले को उससे, यानी उसकी बात से, और सुनने वाले को उसकी बात से किसी वाक़े की खबर या किसी चीज की तलब मालूम हो, यानी अगर तो उसने किसी चीज की खबर दी है तो वो खबर मालूम हो जाए, या अगर उसने किसी चीज का तकाजा किया है तो वो तलब मालूम हो जाए, किसी वाक्या की खबर या किसी चीज की तलब मालूम हो, तो उसको, उसे मुरक्कब मुफीद कहते हैं, उसे मुरक्कब मुफीद कहते हैं। जैसे हामिदुन सालिहुन, हामिद नेक आदमी है। तो अब ये दो जुमले जोड़ने के बाद जो बात हमें मालूम हुई, यानी खबर ये मालूम हुई कि हामिद जो है वो बुरा आदमी नहीं है बल्कि वो नेक आदमी है, तो ये एक खबर है, एक वाक्य की खबर इससे मिल गई। या किसी चीज की तलब मालूम हो, जैसे वअकीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो, तो यहाँ पर एक तकाजा जो है वो हमें मालूम हुआ, तलब मालूम हुई कि नमाज को कायम करना है, नमाज को कायम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नमाज कायम करो। वजाहत, पहली मिसाल में इस बात की खबर मालूम हुई कि हामिद नामी शख्स नेक है, और दूसरी मिसाल से ये पता चला कि नमाज कायम करना मतलूब है। मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं, यानी ये जो मुरक्कब की किस्म है मुरक्कब मुफीद, इसको जुमला और कलाम भी कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम है। जैसे कलमा के बारे में हमने पढ़ा था कि मुफरत को कलमा भी कहते हैं और मुरक्कब को जुमला और कलाम भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ मुरक्कब मुफीद को जुमला या कलाम कहा है। वो इस एतबार से कहा है कि मुरक्कब गैर मुफीद जो है उससे चूंकि मुकम्मल बात मालूम नहीं होती, लिहाजा उसको उन्होंने जुमला और कलाम नहीं कहा। आप कह सकते हैं कि वो भी जुमला और कलाम है, लेकिन वो नाकिस जुमला और कलाम है जिससे मुकम्मल बात जो है वो हमें मालूम नहीं हो रही होती। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर है मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद, इसमें यह है कि जब मुतकल्लिम बात करके खामोश हो जाए और सुनने वाले को उससे किसी वाकया की खबर या किसी चीज की तलब मालूम ना हो। ऊपर में सारी तारीफ हुई है, उसमें सिर्फ इतना था कि तलब मालूम हो, और इसमें है तलब मालूम ना हो, ना का लफ्ज आपने सिर्फ बढ़ाना है, बाकी पूरी की पूरी इबारत हुई है। जब मुतकल्लिम बात करके खामोश हो जाए और सुनने वाले को उससे किसी वाकये की खबर या किसी चीज की तलब मालूम ना हो, यानी जुमला तो आपने सुन लिया लेकिन उससे कोई वाकये की मुकम्मल खबर भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो जुमला जो है आधा होता है, नाकिस होता है, या किसी चीज का तकाजा भी मालूम नहीं होता है। जैसे इसे मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं, जैसे किताब ज़ैदिन, जैद की किताब, सौबुन जदीदुन, नया कपड़ा। तो ये असल में मुजाफ और मुजाफ इलैह की तरकीब है, किताब ज़ैद, किताब मुजाफ है और ज़ैद मुजाफ इलैह है, और सौब उन जदीद उन मौसूफ सिफ्त है। इसका जो तर्जमा है ये नहीं करना कि जैद की किताब है, ऐसे नहीं, सिर्फ किताब ज़ैद, जैद की किताब, और सौब उन जदीद उन नया कपड़ा, इतना इतना तर्जमा होगा बस। अब इसमें जो किताब ज़ैद है, इसमें यह तो मालूम हुआ कि जैद की किताब, लेकिन उस किताब को क्या हुआ है, जैद की किताब जो है वो गुम हो गई है, या जैद की किताब बहुत अच्छी है, या जैद की किताब मौजूद है, तो चूंकि उसके बारे में किसी वाक्य की खबर नहीं मिल रही, इस तरह सऊबुन जदीद नया कपड़ा,
और नया कपड़े के बारे में ये खबर नहीं मिल रही, ये तकाजा नहीं हो रहा कि ये नया कपड़ा मुझे दे दो, या नया कपड़ा जो है मुझे ला दो, या नया कपड़ा जो है वो फलां बंदे का है, तो इस तरह की कोई भी चीज जो है वो इससे हमें मालूम नहीं हो रही। इन अल्फाज से सुनने वाले को जैद की किताब या नए कपड़े के बारे में ना कोई नई बात या खबर मालूम हुई और ना ही इनके बारे में कोई मुतालबा ही मालूम हुआ, इसलिए ये मुरक्कबात गैर मुफीद हैं। यानी ये मुरक्कब तो हैं लेकिन इनसे कोई सुनने वाले को फायदा हासिल नहीं हो रहा है मुकम्मल। मुरक्कब तो है चूंकि दो कलमे जो हैं वो जुड़ गए, लेकिन ये मुरक्कब मुफीद नहीं है जिस तरह के ऊपर मुरक्कब मुफीद गुजरा है। अब इसी जुमले को अगर मुरक्कब मुफीद बनाना हो तो फिर या तो इसके शुरू में कोई कलमा जायद किया जाएगा या इसके आखिर में कोई कलमा जायद किया जाएगा। मसलन किताब उज़ैदिन के शुरू में अगर हम कह दें कि हाजा किताब उज़ैदिन, ये जैद की किताब है, तो फिर ये मुरक्कब मुफीद बन जाएगा। या आप कह लें किताब उज़ैदिन मौजूद, जैद की किताब मौजूद है, तो फिर ये मुरक्कब मुफीद बन जाएगा। अगर इसके साथ हम तीसरे कलमा को नहीं जोड़ते हैं तो ये मुरक्कब गैर मुफीद रहेगा, मुफीद नहीं बनेगा। उसके बाद आगे है सऊबुन जदीद, नया कपड़ा। इसके शुरू में मसलन आप हाजा लगा लें, हाजा सऊबुन जदीद, ये नया कपड़ा है। सिर्फ सऊबुन जदीद से है का जो माना है वो नहीं आएगा, बस नया कपड़ा इसका माना होगा। हाजा सऊबुन जदीद, ये नया कपड़ा है। या आप कह लें इस तरह तो सऊबन जदीद, मैंने नया कपड़ा खरीदा। या आप कह लें कि सऊबुन जदीद फिर दुकान, के नया कपड़ा दुकान में मौजूद है। कोई भी इसके साथ चीज जोड़ेंगे तो फिर ये मुरक्कब गैर मुफीद नहीं रहेगा, फिर ये मुरक्कब मुफीद बन जाएगा, लेकिन एक कलमा के इजाफे के साथ। जितनी यहाँ पर मिसाल है इससे ये मुरक्कब गैर मुफीद ही रहेगा। अब आगे मुरक्कब के हवाले से चंद एक सवालात और मश्क जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मुरक्कब की तारीफ करें और उसकी अकसाम जिक्र करें। तो मुरक्कब की तारीफ ये है कि दो या दो से जायद कलमों के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, दो या दो से जायद कलमों के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, जैसे ये ऊपर तारीफ गुजर चुकी है। दो या दो से जायद कलमों के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। अब आगे है कि उसकी अकसाम, तो उसकी दो अकसाम है, मुरक्कब मुफीद होगा या फिर वो गैर मुफीद होगा। अगर तो मुतकल्लिम की बात से सामे को किसी वाक्य की खबर या किसी चीज की तलब मालूम हो तो उसे मुरक्कब मुफीद कहेंगे, और अगर मुतकल्लिम की बात से सामे को किसी वाक्य की खबर या किसी बात की तलब मालूम ना हो तो उसको मुरक्कब गैर मुफीद कहेंगे। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं। मुरक्कब मुफीद हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब मुतकल्लिम बात करके खामोश हो जाए तो सुनने वाले को उससे किसी वाक्य की खबर या किसी चीज की तलब मालूम हो। खबर है हामिदुन सालेहुन, हामिद नेक आदमी है, और तलब है वाकीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो, इसमें तलब है। उसके बाद फिर आगे तीसरा क्वेश्चन है कि मुरक्कब गैर मुफीद की तारीफ करें और उसके साथ साथ मिसालें बयान करें। मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद से मुराद वो मुरक्कब है कि जब मुतकल्लिम बात करके खामोश हो जाए और सुनने वाले को उसकी बात से किसी वाक्य की खबर या किसी चीज की तलब मालूम ना हो। मुफीद में तो तलब मालूम होती है लेकिन इसमें तलब या खबर, वाक्य की खबर या किसी चीज की तलब मालूम ना हो, जैसे किताब उज़ैदिन सऊबुन जदीदुन, तो ये उसकी मिसालें हैं। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो उन्होंने चंद एक जुमले दिए हैं और फिर कहा है कि आपने इसमें बताना है कि इन में से कौन सा जुमला जो है वो मुफ़रद है और कौन सा मुरक्कब है। सिर्फ मुरक्कब और मुफ़रद की पहचान करनी है, इसमें ये नहीं बताना कि मुरक्कब मुफीद है या मुरक्कब गैर मुफीद है। सिर्फ मुफ़रद और मुरक्कब की पहचान करनी है,
तो वाज़े बात है कि जो जुमला तन्हा होगा, जो कलमा तन्हा होगा, अकेला इस्म होगा या अकेला फेल होगा या अकेला हर्फ होगा, तो वो जो है वो मुफ़रद होगा। और जहाँ पर दो कलमे मिलकर आ जाएँ, इस्म और फेल मिलकर आ जाएँ, या दोनों इस्म मिलकर आ जाएँ, या दरमियान में हर्फ आ जाए, उसको मुरक्कब कहेंगे, उसको मुरक्कब कहा जाएगा। तो उसमें सबसे पहला जुमला है अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है। तो यहां पर ये दो इस्म है, अल्लाहु ये भी इस्म है और अहदुन ये भी इस्म है, दोनों इस्म मिलकर ये एक मुरक्कब बन जाते हैं, और ये मुरक्कबे मुफीद है, अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है। दूसरा है मक्कतु। तो अब ये जो मक्कतु है ये सिर्फ एक ही कलमा है, ये सिर्फ एक ही कलमा है, इस्म है और इसके साथ दूसरा कलमा जुड़कर नहीं आया हुआ, लिहाजा इसको हम मुफरद कहेंगे, मक्कतु मुफरद है। सलातु जोहरी, जोहर की नमाज। अब यहां पर फिर दो इस्म आ गए, सलातु एक और अज़ुहर दो, दोनों इस्म जो है ये दोनों इस्म अलग अलग हैं, और ये दोनों इस्म मिलाकर ये बनेगा मुरक्कब गैर मुफीद। जोहर की नमाज, यानी क्या हुआ है जोहर की नमाज को, इस बारे में कोई वजाहत नहीं। तो जोहर की नमाज इसको कहते हैं मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। फिर आगे है गनामुन, बकरियां, ये मुफरद है, वाहिद है। उसके बाद है अल इल्म नूरुन, इल्म जो है वो नूर है, तो इल्म भी इस्म है और नूरुन भी इस्म है, ये दो इस्म है, लिहाजा ये मुरक्कब होगा, मुफरद नहीं होगा। फिर आगे है कलामुन जमीलुन, खूबसूरत कलम, तो यहां भी दो इस्म है, एक कलामुन और एक जमीलुन, लिहाजा ये भी मुरक्कब हो गया। उसके बाद फिर आगे है बिरुन, कुआं, तो ये मुफरद इस्म है, इसके साथ कोई दूसरा नहीं है। फिर आगे है राजुलुन सालेहुन, नेक आदमी, ये भी दो इस्म है, मुरक्कब है। आगे उस्फूरुन, चिड़िया, ये भी मुफरद है। उसके बाद फिर आगे है रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, तो ये भी दो अस्मा है, लिहाजा ये भी मुरक्कब बन जाएगा। तो नीचे जो चार्ट बना हुआ है, आपने एक साइड पे सारे मुफरद जुमले लिख देने हैं, दूसरी साइड पे मुरक्कब लिख देने हैं। तो मुफरद में मक्का तो मुफरद है, गनामुन मुफरद है, बिरुन मुफरद है, और उस्फूरुन मुफरद है। ये चार कलिमात ऐसे हैं जो कि मुफरद हैं और चारों इस्म हैं, और बाकी कलिमात जो हैं वो मुरक्कब हैं, उनमें अल्लाहु अहदुन, सलातु ज़ुहरी, अल इल्मु नूरुन, कलमुन जमीलुन, राजुलुन सालिहुन, रब्बुनल्लाह। तो ये जो जुमले हैं जिनमें दो या दो से ज़ायद कलिमात इकट्ठे हो जाएं, उन्हें मुरक्कब कहा जाता है। तो अब आगे मुरक्कब की फिर मुख्तलिफ अक़साम हैं। जी, आज का हमारा लेसन बस इतना ही काफ़ी है, लेकिन इसमें जो नीचे हमने तमरीन और मश्क दी है, इसको आपने अच्छी तरह से हल करके लाना है, और कोशिश करनी है कि पीछे से भी साथ हल्का फुल्का साथ रिवाइज करके लाएं। यानी मुफरत और मुरक्कब चूंकि एक ही चीज़ की दो फुरू हैं, दो शाखें हैं, लफ्ज़ की दो शाखें हैं, एक मुफरत है, एक मुरक्कब है, और फिर मुफरत को कलमा कहते हैं, मुरक्कब को कलाम या जुमला कहते हैं। तो पीछे से जो मुफरद है उसकी बहस भी साथ देख के लाएंगे इंशाल्लाह।